फ्रेंड्स, 12th के सिलेबस में एक टॉपिक है पॉलन एनर्जी। पॉलन एनर्जी में ये बताया गया है कि जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो काफी एनर्जी रिच होते हैं, यानी कि इनमें न्यूट्रिएंट की क्वांटिटी काफी ज्यादा होती है। इसलिए कुछ वेस्टर्न कंट्रीज में, मेनली वेस्टर्न कंट्रीज में पॉलन ग्रेन को एज अ एनर्जी सप्लीमेंट यूज किया जाता है। कहीं कहीं पर इन्हें पॉलन ग्रेन को एज अ टेबलेट लिया जाता है और कहीं कहीं पर पॉलन ग्रेन की सीरप्स बनाई जाती हैं। देखिए, समझिए आखिर एनर्जी रिच बोला क्यों जाता है। मैंने थोड़ा समझने की कोशिश की तो हमें क्या मिला इसमें कि पॉलन ग्रेन के अंदर कार्बोहाइड्रेट भी होता है, पॉलन ग्रेन के अंदर प्रोटीन्स भी होती हैं, और पॉलन ग्रेन्स के अंदर बच्चों फैट्स भी प्रेजेंट होते हैं। एक एवरेज बता रहा हूं, एक्चुअल में होता क्या है, पॉलन ग्रेन्स आपको पता है स्पेसीज स्पेसिफिक होते हैं, यानी कि हर स्पेसीज में क्वांटिटी अलग अलग होगी, बट मैं टिपिकल रेंज बता रहा हूँ, यूजुअली ये रेंज मिला करती है। तो बच्चे जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो 13.92 से लेकर के 36.59% तक हुआ करते हैं पॉलन ग्रेन्स के अंदर। प्रोटीन्स की क्वांटिटी 7 से लेकर के 25% तक हुआ करती है, और जो फैट्स हैं ये 2 से लेकर के 25% तक हुआ करते हैं। यानी कि इतनी इतनी क्वांटिटी में पॉलन ग्रेन्स के अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट्स मिला करते हैं। समझ गए होंगे आप लोग। तो इनका वेस्टर्न कंट्रीज में यूज किया जाता है एनर्जी सप्लीमेंट के रूप में, और मेनली एनर्जी सप्लीमेंट के रूप में यूज कौन करता है इनको, एक तो जो एथलीट्स होते हैं, जो स्प्रिंटर होते हैं, फर्राटा धावक और जो अदर एथलीट्स हैं वो इनका यूज करते हैं एनर्जी की फॉर्म, एनर्जी लेने के लिए। और जो रेस हॉर्स होते हैं, यानी कि रेस में दौड़ा जाने के लिए जिन हॉर्स को यूज किया जाता है, उनको भी एज अ एनर्जी सप्लीमेंट पॉलन ग्रेन्स को सप्लाई, पॉलन एनर्जी दी जाती है। थैंक यू।